आइए संक्षेप में श्री भरत की जो अनोखी भूमिका है उस भूमिका पर एक दृष्टि डालने का प्रयास करें। राम राज्य की महिमा का वर्णन न केवल रामचरितमानस में अपितु पौराणिक ग्रंथों में भी बार बार किया गया। राम राज्य का अभिप्राय केवल भौतिक उन्नति नहीं है, उस दृष्टि से तो लंका अत्यंत समुन्नत राष्ट्र था और भौतिक समृद्धि आदि की दृष्टि से यदि हम ये कहें कि वो सबसे अधिक विकसित था तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। पर वस्तुतः राम राज्य का जो वास्तविक तात्पर्य है कि केवल बहिरंग विकास नहीं, हमारे जीवन का, हमारे अंतःकरण का, मन और बुद्धि का, जब तक इनका विकास नहीं होता तब तक यंत्र व्यक्ति से बड़ा हो जाएगा, जैसा कि आज होता जा रहा है। चेतन की अपेक्षा जड़ का अधिक महत्व समाज में आ जाता है तब उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वो दूरगामी दृष्टि से बड़े ही अकल्याणकारी होते हैं। तो श्री भरत की जो सबसे बड़ी भूमिका है और जो भी आप बेटी मंदाकिनी से पंक्त सुन रहे थे, यह प्रश्न किया गया कि श्री राम की इस यात्रा के बाद चित्रकूट की जो श्री भरत की यात्रा है उसका क्या उद्देश्य है। तो अब एक प्रचारात्मक रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि जैसे कोई विशिष्ट आयोजन हो, वक्ता और संत के आगमन की बात हो तो पूर्व सूचना दी जाती है, इसी प्रकार से भगवान श्री राम आगे जाते हुए लोगों के मन में, बुद्धि में, हृदय में श्री भरत की महिमा प्रतिष्ठित कर रहे थे, मानो वे प्रेरणा दे रहे थे कि आप लोग श्री भरत का दर्शन करके ही जीवन में धन्यता का अनुभव कर सकते हैं। और तब गोस्वामी जी ने जो दृष्टांत या जो बात कही हुई है कि श्री राम के दर्शन से मुक्ति भले ही प्राप्त हो जाए पर मनुष्य के मन के रोग दूर नहीं होते, और आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन थाली में परोस दिए जाए पर आप में अगर पचाने की क्षमता नहीं है, आप यदि रोगी हैं तो आप उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो मुख्य समस्या ये है कि हमारे मानस रोग कैसे दूर। परिवर्तन केवल यूं कह लीजिए कि एक शब्द है ना, जब कोई अस्वस्थ होता है या स्वस्थ होता है तो उसके लिए जो शब्द कहा गया है वो कितना सांकेतिक है। स्वस्थ का अभिप्राय है सो में स्थित हो जाना, और अस्वस्थ का तात्पर्य है स्व से दूर चले जाना। और तात्पर्य क्या है, जो व्यक्ति का स्व है, आपका हमारा जो अपना स्वरूप है, जब यह शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साज सुख राशि, जीव ईश्वर का अंश है और वो अंश होने के नाते ईश्वर में जो गुण विद्यमान है वही उसमें भी विद्यमान है। लेकिन जैसे बादल जब छा जाते हैं आकाश में तो सूर्य को वो नष्ट नहीं कर सकते हैं। सूर्य को नष्ट करना बादलों के लिए संभव नहीं, पर बादल होने पर सूर्य हमें नहीं दिखाई। यों तो हम लोग जब बोलते हैं तो भाषा ही सिद्ध करती है कि व्यक्ति में कितना अधिक अभिमान है। हम और आप कहेंगे तो कहेंगे बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अब आप विचार करके देखिए, ये तो सही वाक्य नहीं है, क्योंकि तो बादलों ने अगर सूर्य को ढक लिया होता तो सारे संसार में सूर्य न दिखाई देता। तो सत्य यह है कि बादल
सूर्य को नहीं ढकता है, बादल हमारे आपके आंखों को ढकता है। पर हम लोग इतने अभिमानी हैं कि ये मानते हैं कि सूर्य ही ढका होगा, हमारी आंखें नहीं ढकी हुई। और ये कितनी बड़ी बात है कि हमें स्व में स्थित होना है, स्वरूप में स्थित होना है, और मूलतः जो हम हैं, जिसे हम भूल चुके हैं, उस भूल की हम जब हमारे जीवन में विस्मृति जब हो जाती है, और उस विस्मृति का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति स्व में स्थित नहीं रह पाता, अस्वस्थ हो जाता है। श्री भरत क्या करते हैं, श्री भरत की भूमिका क्या है? तो जिस समय भगवान श्री राम वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उनके दर्शन से जितने ग्रामवासी हैं, स्त्री पुरुष वनवासी और मुनि, सब अपने आप को बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। लेकिन उस पंक्ति पर आपका ध्यान अवश्य गया होगा कि जब त्रिवेणी प्रयाग में महर्षि भरद्वाज ने प्रभु श्री राम भद्र का दर्शन किया, उनके साथ जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण जी हैं, तो इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जीवन में जितनी तपस्या किया, जितनी साधना मैंने किया, उसका परिणाम आपका दर्शन है। जिस वाक्य को सुनकर के प्रभु के होठों पर एक मंद मंद हंसी आई, और उस हंसी का अभिप्राय यह था कि आपको जो यह प्रतीत होता है वो आपकी एक भावना है, मेरे प्रति प्रीत है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा दर्शन पा करके आपने साधना का फल पा लिया। एक वृक्ष है, वृक्ष में जब फल आने लगता है तो लगाने वाले को कितनी प्रसन्नता होती है। तो महर्षि भरद्वाज ने ये कहा कि इतने दिनों तक साधना और तपस्या का जो वृक्ष मैंने लगाया, आपके दर्शन के रूप में उसका फल प्राप्त हो गया। प्रभु मौन रहे, पर बाद में जब महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत आए, तो श्री भरत का दर्शन होने के बाद, श्री भरत तो विनम्रता की मूर्ति है, अभिमान का उनमें लेश नहीं है, वे तो महर्षि भरद्वाज के सामने लज्जा और संकोच से बैठे हुए हैं, सिर झुकाए। उसमें महर्षि भरद्वाज ने कहा कि भरत, तुम्हारे आने से पहले श्री राम भद्र से एक वाक्य मैंने कहा था, और कहने के साथ साथ उनसे मैंने एक वस्तु मांगी थी, लेकिन मेरी बात सुनकर के वे मुस्कुराए, और जो मैंने उनसे मांगा वो उन्होंने नहीं दिया। और मांगा यही था भरद्वाज जी ने कि अब करी कृपा देव बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहु, आपके चरणों में सहज प्रेम हो, यह वरदान दीजिए। तो प्रभु तो इतने प्रसिद्ध उदार हैं, और एक महापुरुष ने यह कहा कि आप यह दीजिए, पर प्रभु जो थे वो मौन रह गए। तो एक तो मैं थोड़ा संशोधन परिवर्तन करना चाहता हूं, और मैं यह समझ गया कि प्रभु ने मेरे मांगने पर भी वह वस्तु जो नहीं दिया उसका उद्देश्य दूसरा था। तो उन्होंने एक उसमें वाक्य जोड़ा, तो कहा मैं आज भी कहता हूं कि सब साधन कर सुफल स्वभावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। इसमें इस धारणा में मुझे आज भी कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी साधना की थी उसका फल जो था श्री राम भद्र जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण का दर्शन था। पर भरत, आज यह कहे बिना मैं नहीं रहूंगा कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा, लेकिन तेही फल कर फल दरस तुम्हारा, उनके दर्शन का भी फल आपका फल दर्शन। तो पढ़ के आश्चर्य होता है
क्योंकि वृक्ष में बौर लगे आम है तो बौर लगेगा, बौर लगने के बाद वो उसमें फल लगेगा। मैं आशा करता हूं कि इतने वर्ष बाद भी यदि कहना पड़े कि आप बहुत बुद्धि या मनोरोग से सुने तो शायद आपके प्रति थोड़ा सम्मान सा दिखाई देगा। पर वो एक बड़ा ही गहरा सूत्र है और वो सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया गया है तो संतों की तुलना के भी अमराई से। पर किसी ने संतों की महिमा सुनी, सत्संग की महिमा सुनी और वह निराश होकर के लौटा। अब इसको गोस्वामी जी एक काव्यात्मक रूप में यूं कहते हैं कि आपने आम की विशेषता का वर्णन सुना पढ़ा, पर अगर ऐसे मास में आप गए जब उसमें एक भी फल नहीं तो स्वाभाविक होगा कि वो आम का वृक्ष तो है पर आपको तो उसमें कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। फल पहले क्रम है उसमें, पहले तो बसंत ऋतु और उसमें बौर आता है और बौर आने के पश्चात फिर उसमें फल आता है। अब उसमें पंक्ति पर आप ध्यान देंगे, श्री भरत श्री राम के दर्शन का के भी फल के फल हैं, मानो इसका अभिप्राय है कि सत्संग में जाइए तो पहले वसंत लेके तो जाइए, वसंत लेकर आपको जाना होगा। और वो वसंत क्या है? बोले श्रद्धा ऋतु बसंत समुदाय, श्रद्धा ऋतु ही वसंत ऋतु है। और इसका अभिप्राय यह है कि आप श्रद्धा लेकर के सत्संग में जाएंगे तब तो आम की विशेषताएं आपके आंखों के सामने होगी, लेकिन अगर आप पतझड़ लेकर के जाएं या कुतर्क की आंधी लेकर के जाएं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अगर सत्संग में भी किसी को कुछ नहीं मिला तो या तो पतझड़ बन के गया होगा या कुतर्क की आंधी लेके गया होगा। इसलिए क्रम है, पहले संत के पास जब हम जाएंगे तो श्रद्धा के रूप में बसंत है। पर उसके बाद बहुत सुंदर बात कही गई कि श्रद्धा के बाद जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ना चाहिए। तो संत के पास जब जाएंगे तो संत आपको कुछ नियम बताएंगे, साधना बताएंगे और उस नियम और साधना को सुन करके हम लौटा में तो भी हमने तो लाभ नहीं दिया। तो मानो वो स्वामी जी कहते संत सभा चौ जिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और तब समजम नियम फूल बौर क्या है, संतों के द्वारा बताई गई जो साधना है जब उसे करते हैं तो मानो श्रद्धा के द्वारा जब हम संत के बताए हुए का उसके द्वारा नियम जो दिए गए उसको पाल लें तो मानो वहां पर आपको बौर का अनुभव होगा। तो क्रम है, पहले श्रद्धा और उसके बाद जो सत्कर्म है उनकी साधना, और इस साधना का परिणाम क्या होगा कि बौर में धीरे धीरे पहले फल नहीं दिखाई देता, उसके बाद छोटा फल और धीरे धीरे फल बड़ा हो जाता है। तो साधना का अंतिम फल क्या होगा, तो वहां पर क्रम है समजम नियम फूल और फल ज्ञान। सत्कर्म आप करते हैं पर यंत्र की तरह यदि करते हो और उसमें विवेक न हो ज्ञान न हो तो आपका सत्कर्म जो है व्यर्थ तो नहीं जाएगा पर अधूरा रहेगा। और इसलिए श्रद्धा सत्कर्म या साधना और श्रद्धा सत्कर्म की साधना के बाद जो फल आता है उसी का नाम ज्ञान है। श्रद्धा संत सभा चौदिश अमराई, श्रद्धा ऋतु वसंत समझाई गाई, और तब समजम नियम फूल फल ज्ञान। तो वृक्ष में फल आ गया तो ठीक है, आपने वृक्ष लगाया फल मिल गया, पर भी कुछ मिलना बाकी है क्या? और मिलना बाकी यही है कि पूरा आम तो हो गया पर उसमें खटास है, मिठास नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में अचार अचार के उपयोग में तो आ सकता है चटपटापन लाने के लिए, पर तृप्ति का अनुभव तो तब होगा कि जब उसमें रस आ जाए। मानो आम का पक जाना ही उस ज्ञान के फल का भी फल क्या है, तो ज्ञान का एक साधना का बौर और साधना के बौर के बाद ज्ञान का फल, और उस ज्ञान के फल में जब प्रेम की मिठास आवे तो समझ लीजिए अब ये आम फल बरखा। इसका अभिप्राय ये है कि अगर हमारे अंतःकरण में क्रमशः धीरे धीरे और ज्ञान के बाद भी बड़ा भय, ज्ञान के बाद एक बहुत बड़ा भय कि ज्ञानाभिमान आ जाए, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, तो मनोयो कह लीजिए कि जैसे कभी कभी आम जब उसके बहुत फल दिखाई देते हैं तो आंधी भी आ जाती, कोई रोग भी आ जाता है। तो आम अगर पक जाए तो यही मानो हरि पद रति, रस वेद बखाना। शास्त्रों ने कहा कि भगवान के चरणों में यदि रति हो जाए ये मानो रस। श्री राम कौन है? बोले ज्ञान अखंड एक सीता पर, अखंड ज्ञान ही है श्री राम। और भरत जी कौन है? कब भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनवाई। मानो समस्त पुण्य का फल है ज्ञान रूप राम को पाना, और ज्ञान में राम के फल का भी दिव्य आनंद है भरत के रूप में प्रेम रस की अनुभूति। और उसका सही सही तात्पर्य यह है कि जीवन में जो परिवर्तन होता है वो केवल बुद्धिमत्ता से नहीं होता, उसके लिए मनुष्य के जीवन में स्वस्थ होने की चेष्टा, और उसके साथ बड़ी सरल सी बात, आप और हम जब संसार के प्रति हमारा प्रेम होता है तो क्या आप कभी उसके लिए पूछते हैं क्या कि मेरा पत्नी से प्रेम कैसे हो, बेटे से प्रेम कैसे हो, या क्या आप कभी पूछेंगे कि हमारे संबंधी की याद कैसे आवे? नहीं नहीं, वो तो आपको इतनी अधिक याद आती है कि उससे किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। उसका अभिप्राय बुद्धिपूर्वक जो कार्य किया जाता है उसको बार बार सावधान होकर करना पड़ता है, पर जब वो हृदय से जुड़ जाए, इसी को महर्षि भरद्वाज ने कहा, और एक एक शब्द से रामचरित मानस विलक्षण अद्भुत ग्रंथ है। दुर्भाग्य यही है कि उसकी गहराइयों पर दृष्टि डालने का कि परंपरा ही समाप्त होती जा रही है और उसके अंतरंग तत्व पर दृष्टि डालना लोग भूलते जा रहे हैं। मनोरंजन की उनकी उपलब्धि है। तो मानव सूत्र यह है, इसका अभिप्राय यह है कि आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिन वस्तुओं से आपके हृदय का जुड़ाव है आप उनकी याद करते हैं, उनको भूल नहीं पाते, और जब बुद्धि से कोई बात आप मान लें तो चेष्टा कर सकते हैं, पर वो बुद्धि से जो माना गया सत्य होता है वो सहज नहीं बन पाता। इसलिए महर्षि भरद्वाज ने जो शब्द प्रभु से कहा था कि आप अपने चरणों में प्रेम लीजिए, लेकिन उसके साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ, इतने दिनों तक आप साधन करते रहे तो अभी बाकी है क्या? उन्होंने शब्द जो दिया वह शब्द बड़े महत्व का, क्या बोले? अब करी कृपा देहु बरे हु निज पद सरसिज सहज सने। सहज माने जो प्रयत्न से नहीं पाया गया है, स्वभाव का अंग बन गया। तो प्रयत्न बुद्धि का भी सदुपयोग तो है, लेकिन जब तक वो हृदय से उसकी अनुभूति न हो तब तक वो प्रेम के रूप में परिणत नहीं हो पाता। और इसीलिए पूछना पड़ता है कि भगवान राम के चरणों में प्रेम कैसे हो। मानो ये जो सूत्र है उसका व्यंगात्मक एक दृश्य सामने तब आया जब भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया, और वहां पर सती जी अपने पिता के यज्ञ में शरीर को अग्नि से जला देती हैं। उस समय वो समाधि में चले गए
और समाधि में चले जाने के बाद एक दिन समाधि मायने भीतर चले गए। बाहर जब कोई समस्या होती है तो आप जैसे अगर आंधी आवे या पानी आवे तो आप अपने भवन के कक्ष में चले जाते हैं, कमरे में चले जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोई ऐसी घटना हो जो आपको प्रिय न लगे तो भीतर चले जाइए। भीतर चले जाने का तात्पर्य डर के मारे भागना नहीं, पर अंतःकरण में कोई समस्या आवे और हम भीतर बैठ करके यह समझने का प्रयास करें कि ये क्यों है, तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर ग्रंथों में नहीं आपको अपने जीवन में ही मिलेगा। भगवान शंकर सती जी के शरीर त्याग के बाद अपने समाधि स्थिति में चले गए। तारकासुर ने शंकर जी की समाधि देख करके उसे ऐसा लगा कि एक ऐसा अवसर है कि मैं अमरता का वरदान प्राप्त कर लूं, और तब उसने तपस्या किया। और ब्रह्मा ने जब पूछा कि क्या चाहते हो तो उसने कहा अमर होना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो सृष्टि के नियम के ही अनुकूल नहीं है, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। तो उसने सोचा कि ऐसी कोई शर्त लगा दे कि पूरी ही नहीं हो और मैं मरूं नहीं। तो उसने कहा अच्छा मेरी मृत्यु ही हो तो आप ये वरदान दीजिए कि शंकर जी के मन से नहीं, मन से तो चाहे जिस पुत्र को जन्म ले, उनके शरीर के जो शुक्र है उसके द्वारा वीर्य के द्वारा जो पुत्र हो वो मारा जाए। तो तारकासुर का विचार क्या था कि जो ऊपर चला गया है वो नीचे क्यों जाएगा, तो शिव तो समाधि में ऊपर चले गए और चले गए तो अब विवाह थोड़ी करेंगे, तो न विवाह करेंगे न बेटा होगा न तो मैं रहूंगा। अरे असुरों का गणित सही सिद्ध नहीं होता। परिणाम ये हुआ कि अब तारकासुर ने वरदान पा करके सारे विश्व पर अधिकार कर लिया और मृत्यु उसके हो नहीं सकती। और तब एक दिन शंकर जी के सामने अंतर से बाहर आप एक एक शब्द कृपा करके हमारे साथ चलेंगे, भीतर से बाहर भी तो निकलना है, क्योंकि आपने भीतर से जो शक्ति पाई जो प्रेरणा पाई वो बाहर ही तो आपके द्वारा घटित होनी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान ने सोचा कि शंकर जी तो हो गए अंतर्मुख, अब इनको जब तक बहिर्मुख न बनावे तब तक तो तारकासुर का ही राज्य रहेगा। तो आप जानबूझ करके सगुण साकार रूप में शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। समाधि में वो निर्गुण निराकार में ही एकाकार हो रहे थे, अब जब वो उस स्थिति में आए तो श्री राम सामने प्रकट हो गए। मानो भीतर ही देखते रहेंगे क्या, जरा भीतर के साथ साथ बाहर भी तो देखिए, क्या मैं भीतर ही हूं क्या, तो मैं बाहर नहीं हूं क्या। अब श्री राम के आगमन से हो तो सहज रूप से ही शंकर जी की दृष्टि बाहर खुली, उन्होंने श्री राम को देखा, गदगद हो गए भगवान शंकर। पर प्रभु ने कहा कि आज मैं कुछ मांगने आया हूं, सुना है आप बहुत बड़े दानी, तो और पूछ दिया कि आप पहले ये बता दीजिए मेरा आपका नाता क्या है। तो शंकर जी ने कहा मैं सेवक हूं आप स्वामी हूं। ऐसा तो कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं शंकर जी स्वामी हैं और श्री राम सेवक हैं, या कोई कहता अंतर और वाय का भेद मिट गया। और भगवान ने कहा देखिए तीन नाते हमारे आपसे कहे आते हैं, सेवक स्वामी और सखा, या तो आप मेरे मित्र हैं या मेरे स्वामी हैं मेरे सेवक, तो मैं तीनों नातों को स्वीकार कर लेता हूं। और तब मैं तीनों के अनुकूल आज आपसे एक बात मांगने आया हूं, क्या मैं तो आपको स्वामी मानता हूं, तो जब आप स्वामी हैं तो सेवक की विनती सुनना ये स्वामी का स्वभाव होना चाहिए। तो अब विनती मम सुनहु शिव। नहीं नहीं महाराज आप विनती क्यों करेंगे, मैं अच्छा मित्र मानते हैं तो जो मुझ पर निजने हो अगर आप मुझसे
प्रेम करते हैं तो भी एक बात मानिए, बड़ी लंबी भूमिका है। अगर स्वामी है तो मानिए, मित्र है तो मानिए मानिए। शंकर जी ने कहा मैं तो केवल सेवक हूं, सब तो काम और बन गया। क्या तीन शब्द उन्होंने कहा, अब विनती मम सुनहु सु, स्वामी है तो विनती सुनिए और मित्र है तो हमारी बात को सुनिए मानिए, और अगर आप सेवक हैं तो मैं आज्ञा देता हूं। ये शब्द उन्होंने, अब विनती मम सुनहु सु, जो मुंह पर निज नेहु जाय विवाह शैल जही, यह मुई मांगे दे, मैं आज्ञा देता हूं कि आप बात कीजिए। अब बहुत सुंदर वहां पर दो शब्दों का हेर फेर दिखाई देता है। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं यूं तो प्रतिज्ञा कर चुका था, ते अब सिर धरी आया तो करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिर मत। मुस्कुराए प्रभु, संतोष नहीं हुआ, सिर मत है माने ये बुद्धि का केंद्र सिर है। तो भगवान राम ने कहा कि सिर पर मेरी आज्ञा मत रखिए, क्यों? और सिर पर आज्ञा इसलिए न रखिए कि जहां निरंतर गंगा की धारा बह रही हो मेरी आज्ञा न बह जाए। तो बोले कहां रखिए, कहते अब उड़ा रखो, यही सूत्र है जागरण। गुरु का सिर माथे, भगवान ने सिर माथे से कुछ नहीं, बुद्धि से नहीं, तब अब उर राखे हूं जो मैं कहूं, जो मैंने कहा उसको तुम आप हृदय में मान लीजिए। और उसका सूत्र यही कि बुद्धि पर सिर पर कोई वस्तु रख दिया है तो बोझ बन जाती है या भूल जाती है, जब वो हृदय में वो वृत्ति आ जाए, वस्तु आ जाए तो उसका ऐसा करता है। ये जो श्री भरत का चरित्र जो इसको सहज प्रेम कहते हैं, वह जो सहज प्रेम है संसार में दुर्लभ है। साधना से उत्पन्न होने वाला प्रेम भी प्रेमी है, लेकिन सहज भाव से जिसके अंतःकरण में प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई वृत्ति है ही नहीं, यही श्री भरत के चरित्र की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। और इसका व्यवहारिक अर्थ यह हुआ कि परिवर्तन जो होगा वो केवल मस्तिष्क से, विचार से, बुद्धि से ही नहीं होगा, उसके साथ साथ जब तक वो परिवर्तन मेरे हृदय में न हो, आपके हृदय में न हो, और वो परिवर्तन होता है प्रेम के द्वारा। किसी से संसार में भी किसी का प्रेम हो जाता है तो उसको निरंतर याद आती रहती। तो इसका अभिप्राय यह है कि ये जो प्रेम की सहज वृत्ति है, यही सही अर्थों में प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप। और तब श्री भरत की विशेषता क्या है, श्री भरत की इस यात्रा में गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं वो ध्यान देने योग्य, और वो ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका चरित्र जो है साधकों के लिए उपयोगी होता है, और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनका चरित्र सिद्ध जनों की दृष्टि में वंदनीय है। तो ये जो अंतर है, श्री भरत जी की विलक्षणता क्या है, का उसका अभिप्राय यह है, और रामायण में यही संकेत किया गया कि जब भरत यात्रा करते हैं तो उनको देखने के लिए जो समूह प्रयागराज में एकत्र हुआ, उसमें ब्रह्मचारी भी थे, गृहस्थ भी थे, बाणप्रस्थी और सन्यासी भी थे। और गोस्वामी जी ने कहा कि जब श्री भरत का उन्होंने दर्शन किया इन चारों प्रकार के व्यक्तियों ने, तो बैखानस बट गृही उदासी, सभी लोग परम प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए का तात्पर्य क्या, ब्रह्मचारी का जो आदर्श है वो गृहस्थ का आदर्श नहीं हो सकता, गृहस्थ का जो आदर्श है वो सन्यासी का आदर्श नहीं हो सकता। हम जिनके चरणों में वर्षों रहने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मलीन स्वामी शिवजी बाबा जी महाराज, महान सिद्ध के रूप में उनकी बड़ी ख्याति थी, और स्वाभाविक रूप से भक्त उनके प्रति बड़े श्रद्धालु थे। एक सज्जन के यहाँ घर में जब विवाह का अवसर आया तो उन्होंने बाबा को भी निमंत्रण दिया, ठीक है आशीर्वाद है,
पर नहीं महाराज, आप आशीर्वाद दें इतने से नहीं, आप स्वयं पधारिए। क्यों? बोले आप पधारेंगे तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे मत बुलाओ, मेरे साथ बहुत से ब्रह्मचारी और साधक होंगे, और विवाह का ठाट बाट देख करके अगर मन में आया कि हमने कहा उलगवा दिया, क्यों ना शादी हम भी करते तो उनके लिए हानिकारक, और जब मैं जाऊंगा तो जो खड़े हो जाओगे मेरी पूजा शुरू हो जाएगी, और उसको देख करके दूल्हे के मन में आया कि सन्यासी अच्छा है, जिसका इतना सम्मान है वो कहीं सन्यासी बन की प्रेरणा मिली तो कितना अनर्थ हो। मानो बाबा का तात्पर्य था कि भाई अब जो ब्रह्मचारी ही का आदर्श है वो अलग है, इसीलिए ये शब्द कहा गया बड़ा सुलक्षण, सोचिए गृही जो मोह पथ करई कर्म मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। सन्यासी शोक करने योग्य है अगर वो वैरागी युक्त तो नहीं है, और गृहस्थ शोक करने योग्य है कि अगर वो जो उसका एक शास्त्रों ने कर्तव्य बनाया उसको पालन नहीं किया। पर श्री भरत किसके आदर्श? ब्रह्मचारी के कि गृहस्थ के कि वानप्रस्थ के सन्यासी के? वो स्वामी जी कहते हैं यही श्री भरत की मानता है कि प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बई खानस बटु गृही उदासी। ब्रह्मचारी को लगता है कि ब्रह्मचर्य का अगर हम सच्चा स्वरूप जानना चाहें तो भरत में, और गृहस्थ को ऐसा लगता है कि गार्हस्थ धर्म का जो रूप होना चाहिए वो श्री भरत में। वानप्रस्थी को प्रतीत होता है कि इनके द्वारा ही वानप्रस्थ जीवन की प्रक्रिया का ज्ञान होता है, और सन्यासी को ऐसा लगता है कि सचमुच जिसे सन्यास कहते हैं वह सन्यास तो भरत के जीवन में ही है। इसलिए और दूसरा शब्द फिर गोस्वामी जी ने कहा, अब जैसे श्री भरत जी और श्री लक्ष्मण जी का अगर उनकी तुलना करें, तुलना का अर्थ और कुछ नहीं है, दोनों महानतम हैं, पर अंतर इतना है कि लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो सिद्ध चरित्र है, मानो भगवान के निरंतर चरणों के समीप हैं, उन्हें भगवान को पाना नहीं, वो सिद्ध स्थिति में। अब लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो सिद्ध स्थिति का है, और अगर कोई लक्ष्मण जी का बाहर से केवल अनुकरण करने लगे तो फिर वो अनर्थ ही हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी का चरित्र सिद्ध चरित्र है, और भरत जी के चरित्र की विशेषता ये है कि सिद्ध और साधक दोनों के लिए वो परम प्रेरक, सिद्ध के लिए भी चरम महानतम सत्य, और जो साधक हैं और वहां शब्द वही है निरक सिद्ध साधक अनुरागे। क्या सोचने लगे? बोले सहज स्नेह सराहन लागे। भरत जी के जीवन में जो सहज प्रेम है, राम राज्य की स्थापना त्रेता युग में केवल हो पाई, और त्रेता युग में महापुरुषों की कमी नहीं थी, अभी आप कथा में प्रवचन में सुन रहे थे, परशुराम जी के रूप में भगवान के एक अवतार थे ही, और उसके साथ साथ जो महापुरुष थे उस युग में एक से एक बढ़कर के महान, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य, अत्रि, ये बड़े से बड़े महात्मा उस युग में विद्यमान थे। तो अब ऐसी स्थिति में श्री राम को अवतार लेकर के क्यों आना पड़ा? समय भाव से उसको विस्तार नहीं देंगे। इसका अभिप्राय है कि उनके अवतरण के द्वारा भी उस आदर्श की पूर्ति नहीं हो पा रही थी जो आदर्श राम राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक था। अभी ये आदर्श की परिपूर्णता जो है वो श्री राम में है, लेकिन श्री राम को भी आवश्यकता पड़ी। अब यही विशेष बात, पूछा गया कि भरत जी भगवान राम बन क्यों गए? किसी ने कहा पिताजी की आज्ञा मानने के कारण? उन्होंने कहा ना, उस दोहे को आपने पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखें। वे कहते हैं कि जैसे
जब देवता और दैत्यों का युद्ध होता था तो देवताओं की मृत्यु हो जाती थी और दैत्य अगर मरते भी थे तो शुक्राचार्य जी उनको जीवित कर देते थे। परिणाम क्या हुआ कि अब वो दैत्य विजयी होते हैं और देवता मृत हो जाते हैं। और ये हमारे आपके हृदय का भी सत्य है, अच्छे विचार यदि देवताओं के समान मान लें और बुरे विचारों को दैत्य के समान मान लें तो आप बहुधा अनुभव करते होंगे कि अच्छे और बुरे विचारों की लड़ाई में बुरे विचार जीत जाते हैं और जो विचार हम अच्छे करते हैं वो हम जीवन में उतार नहीं पाते। क्या किया जाए? तो फिर प्रार्थना किया, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला और उस अमृत को पीकर देवता अमर हुए। अब गोस्वामी जी इसको एक आध्यात्मिक रूप देते हैं, उनका जो ये तो सब देवताओं को जो अमृत चाहिए था ये अलग, पर वो समस्या साधकों के सामने भी थी और साधकों के सामने जो समस्या थी वही हमारे अच्छे और बुरे विचारों में अच्छे विचार क्यों बार बार जीवित हो जाते हैं, बुरे विचार क्यों जीवित होते रहते हैं और तब अमृत की आवश्यकता हुई। तो स्वामी जी ने कहा भगवान राम पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए गए वो तो एक बहाना था, सत्य की रक्षा के लिए गए वो भी एक बात उसके साथ हो गई, लेकिन वस्तुतः भगवान को लगा कि समुद्र मंथन करके अमृत की आवश्यकता है। अब हम गोस्वामी जी की विलक्षणता देखिए कि समुद्र को मथने वाले देवता और दैत्य हैं, पर गोस्वामी इस दोहे में कहते हैं कि वो अमृत जो सद्गुणों को अमर बना सकता है वो अमृत है प्रेम। तो मानो प्रेमामृत को प्रकट करने के लिए ही 14 वर्ष के गमन की मथानी बना करके पर उन्हें मथा, भरत को के मंथन के बाद उसमें प्रेम के रूप में अमृत प्रकट हुआ। दोहा पढ़ चुके होंगे, प्रेम अमीर मंदर विरह भरत पयोध गंभीर, प्रेम अमीर मंदर विरह भरत पयोध गंभीर। लेकिन अगला शब्द बहुत समझ नहीं हो गया, क्या मथ प्रकट हो, वहां तो देवता और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया था पर भरत समुद्र का मंथन किसने किया? दोहे में ऐसी बात कही गई जो नियम के विरुद्ध है। और वो शब्द है प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोज गमीर मथि मथि प्रगटेव सुर साध हुई कृपा सिंधु रघुवीर। दो समुद्र हैं, प्रेम समुद्र और कृपा समुद्र। भगवान राम कृपा समुद्र हैं और भगवान राम और भरत प्रेम समुद्र हैं। तो भगवान श्री राम ने वियोग का बहाना बना करके क्यों ऐसा किया? मानो बहुत बढ़िया सूत्र है कि भगवान कितनी भी कृपा क्यों न करें आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो कृपा कृपा दिखाई नहीं देगी। मानो ईश्वर को भी यह प्रतीत हुआ कि हम चाह करके भी अवतरित होकर के लोगों को बदल नहीं सकते हैं, लोगों के अंतःकरण के विकारों को दूर नहीं कर सकते हैं, इसे आवश्यकता है। मानो एक ओर है कृपा सिंधु और दूसरी ओर भरत पयोध गंभीर। मानो यह जो श्री भरत का चरित्र है उसका मूल उद्देश्य जो है उसमें ऐसा साधना का कोई पक्ष नहीं है जो उस प्रसंग में आपको न मिले। आप अगर 100, 200, 500 बार भी श्री भरत का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक नए दर्शन, नए विचार और नई प्रेरणा की अनुभूति होगी। और वहां उसका संकेत भी है कि श्री राम के अयोध्या में होते हुए भी तो मंथरा रोगग्रस्त हो गई, मंथरा के प्रभाव से कई कई रोगग्रस्त हो गई, तो मानो भगवान तो अवतरित भी हो गए और अवतरित हो गए अयोध्या में, पर उनके होते हुए भी कहां बदलाव हुआ?
मंत्र मंत्र ही रहे और महारानी के कहीं पर प्रभाव जो है श्री राम का उतना नहीं पड़ा जितना कि मंथरा का पड़ गया। दीक्षा ले लिया, दीक्षा किसे लिया बोले हे महारानी कैकेयी ने दीक्षा लिया किससे, गुरु वशिष्ठ से? नहीं नहीं गुरु वशिष्ठ से नहीं, मंथरा से। मंथरा गोस्वामी जी ने व्यंग की भाषा में कहा, आप क्या मंथरा को साधारण समझते हैं? किसी आपको किसी को कहे भाई भक्त शिरोमणि है तो भरत भगत शिरोमणि भरत, भक्तों की शिरोमणि कौन है बोले भरत, और ये मंथरा बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ा, करोड़ करोड़ कुटिलों में भी अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कुटिल देखना हो तो वो मंथरा। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि राम राज्य इसलिए नहीं बन पाया कि सारी योजना तो बना दी गई पर भक्त जैसा संत या भगवान के प्रेम का जो साकार विग्रह है उसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बुलाया गया, वो एक अलग प्रश्न है, उसका उत्तर देना थोड़े से समय संभव नहीं। मानो परिवर्तन श्री राम के द्वारा नहीं हो पाया, पर वह परिवर्तन अगर इसे उस परिवर्तन में देखें और परिवर्तन का वो मूल स्वरूप न भूलिएगा कि सत्य तो यह है कि परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं है, आप जैसे हैं मूलतः अपने आप को उस रूप में जान लेंगे तो आप स्वरूप में और स्वस्थ हो गए। तो मानो श्री राम की यह बड़ी यात्रा उसका एक महान आदर्श, वो राम राज्य की स्थापना का स्वरूप तो वहां पर दृष्टिगोचर होता है, पर श्री भरत की यह जो यात्रा है और यही जो यूं कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर किसी को महत्व देना चाहिए श्री राम राज्य का तो महत्व श्री भरत को है। और इसलिए पूरे ग्रंथ को आप यूं विचार करके अगर पढ़ें और सुने कि गोस्वामी जी कहते हैं कि आप भरत जी के प्रेम के इस प्रसंग को बार बार सुनिए और नियम पूर्वक सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए, और तब बोले भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य हो ही।